बड़ी खबर कानपुर देहात से। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्राम रसूलपुर भलार परगना व तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का है, जहां ग्राम वासियों का आरोप है कि गलत तरीके से रोड चौड़ीकरण कार्य को लेकर ग्राम भलार में जमकर पीड़ित लोगों में जमकर रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि ग्राम भलार के पीड़ित लोगों का कहना है कि ग्राम में जो रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है वह नियमानुसार पूर्णतया गलत तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस संस्था द्वारा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जब उनसे संबंध में ग्राम के लोगों ने कहा तो वह बिगड़ने लग गए और उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ करना है जाकर कर लो। आखिर जहां देश की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैसा कानून है, जहां अधिकारी साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि आपको जो भी करना हो वह कर लीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराऊंगा। आइए अब आपको सीधा सुनाते हैं कि ग्राम भलार के लोग कैसे अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकारी के कानों में जो तक नहीं रेंग रही है। संवाददाता रहमत खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, किस गांव में रहती हैं आप? भलार। भलार में क्या समस्या है आपको? वहाँ समस्या जा भैया, वहाँ कोई है नहीं, वहाँ पूरा घर फोड़े चलाए दे रहे, बता हम कहाँ रहेंगे। अच्छा, कौन फोड़े चलाए दे रहा? अरे जे रोड वाले। अच्छा अच्छा, हम मना कर रहे हैं, जहाँ से थोड़ी बहुत जगह हो हमसे ले लो, हमारा पूरा मकान न बर्बाद करो। अच्छा अच्छा, तो मकान खोल रहे हैं? जगह होती तो हम चांद इतना ले लेते। अच्छा अच्छा, तो मकान खोल रहे हैं क्या? हाँ, पैर गिरवा देंगे। अच्छा, गिरवा देंगे। अच्छा अच्छा, अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अब कर बेर बेका भैया, और जैसे समझ में आता है कर दे, हम तो गरीब आदमी है, तो हमारे पास फोन तो है नहीं, मना ही ना था। अच्छा अच्छा, न कैसे मजबूरी में बनवाऊ, अगर हमारे बर्बाद कर दिए तो हमने मजबूरी कर बनवाओ, फिर करवाए मजबूरी कर बनाए, जैसे उनके समझ में आ जाए कुछ करें। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है आपको? हमारी यह समस्या है कि पहले तो आदमी हमारे घर के सामने गाड़ी घोड़ा खड़ा करता है, और निकलन का कहा तो कह देता कल हटाएंगे परसों हटाएंगे, कोई नहीं हटाता है, और हम दूसरे के पैसे की यहाँ से निकलते हैं, और हमारे दोनों तरफ हमारे मकान में भी हमारी तरफ झुका गया, हमारी बैसिन की हमारी यहाँ हमारी तरफ झुका गया, और दोनों तरफ छोड़ा गया। अच्छा अच्छा, और जो कहते थे नहीं मानोगे फोर्स लेके आए थे, नहीं मानोगे जैसी भी उठा कर दो तो मैं सबको घर भर को कुआं में कूद देंगे, हमने कहा आ जा तुम कहो हम तुम्हारे जैसी भी बैठने के लिए तैयार है कुआं खोलने के लिए। अच्छा, कौन कह रहा था? चश्मे लगाए थे, लंबे लंबे थे, एक इधर खड़ा है। अच्छा। कहाँ गया उसको बुला, हम बता देंगे, ये कह रहे थे दोनों लोग। अच्छा, क्या कह रहे थे कि हम कुएं में फोड़ देंगे? कुएं में फोड़ देंगे, पूरा परिवार को सब बक बक करोगे तो। अच्छा अच्छा, तुमने कहा फोड़ देंगे, मरना तो वही है, घर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? हाँ हाँ, इसलिए हमने कहा था। अच्छा अच्छा, और कहते हैं हमारे आदमी कहते हैं डंडे मारेंगे, हंसी हंसी आन करते हैं, हंसता हमें कोई फर्क नहीं, समय सबका आता है हंसने का और रोने का, सरकार सबके लिए, हम ये नहीं कहते किसी को नुकसान हो, जितने में बने उतने में डाल लो, जरूरी नहीं कि तुम हाईवे निकाल कर ले जाओ यहाँ से। सही बात है, ठीक है, नीवी नहीं, हम यहाँ से रोड नीवी, हमारा पहला मकसद है नीवी कट जाए फिर रोड डलना चाहिए, जो जगह दोनों तरफ से लो वो हमारे तरफ से एक हाथ ज्यादा ले लो। अच्छा, तो आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्या करोगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारा परिवार है, कुआं अपन जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, क्या समस्या है? जो समस्या है कि हमारे रोड हमारी डेयरी से इनने जेसीबी लगा के खोदा है, हमने कहा था कि 20 करोड़ से फीता रख लो तो हमारा जितने हिस्से में पड़े उतना हमारा काट लो, इनने नहीं काटा, इनने हमारा पूरा मकान से किस चीज से ले लिया। किसने काटा है? हैं, जेसीबी वाले। जेसीबी वाले ठेकेदार? हाँ, ये ठेकेदार और जेसीबी चला रहे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये आपका जो यहाँ पे जितनी जगह आपकी जा रही है ये मानक के अधीन जा रही है, मतलब मानक तो नहीं है इतनी जो उनको मतलब मानक मिला होगा कि इतनी जगह काटनी है? हाँ नहीं, उनने कहा कि इतनी जगह काटने है तो हमने कहा कि काट लो, पहले काट रहे थे दो छोर से, जी हमसे काट रहे कि दो तरफ से जाएगा। अच्छा। तो हम मानते रहे कि चलो दो पक्ष से ले लो हैं, और फिर जी आए उतना सबको लिवा के तो इनने हमारी बात कोई मानी नहीं, इनने हमारा पूरा मकान फोर्स लेके आए तो पूरा मकान हमारा गिरा दिए, जो चौतरा गिरा दिया। अच्छा, जो अधिकारी आए हुए थे वो आपसे क्या कह रहे? वो कह रहे थे हम किसी की नहीं मानेंगे, हम अपने मन का काम करेंगे। अच्छा
अपने मन का काम कर रहे हैं। हाँ, अपने मन कौन अधिकारी ये कह रहा था? हम जो नहीं जानते हैं कि तहसीलदार है, जो हम नहीं जानते हैं उनने कहा था हमारे पास। अच्छा, हाँ, ज्यादा ज्यादा बुकराती करोगे तो तुमको अभी डाल लेंगे गाड़ी में। अच्छा, जैसे आपने अभी आप बोल रही कि हमारा मकान का नाप कुछ और थी, क्या कुछ और रहा है, हाँ, अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं तो हम जो करेंगे कि हमारा जितना होगा उतना काट लो, उसके बाद हम नहीं देंगे। अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो आप क्या करोगे? नहीं मानेंगे तो भाई जैसा उनको दिखाए उसा कर लें। भाई हम क्या करें उसके आगे, हम क्या क्या हमारे पास दवाई है कौन, हमारे नाम तो है नहीं। जो नहीं मानेंगे तो हम अपने लड़का बच्चा लेके और हम आप क्या कर लेंगे। अच्छा, हम खुद मर जाएंगे अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होगी। नहीं मानते हैं, हाँ, तो आप हत्या कर लेंगे? हाँ, हम कर लेंगे, अपने बच्चे भी मार लेंगे, हमारा पूरा भी परिवार मर जाएगा, को पकड़ लेते। अच्छा अच्छा,